भारत, गांधी के बाद रामचंद्र गुहा, अनुवादक विकास झा। प्रस्तुत है भाग 11, शरणार्थी समस्या। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। शरणार्थी समस्या और गणराज्य। शरणार्थियों को पूरे देश में भेजा जा रहा है। वे जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ उनके द्वारा बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक घृणा फैलाए जाने की आशंका भी है, और इससे पूरे समाज में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता की भावना फैलेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शरणार्थियों के लिए उचित व्यवस्था करना जरूरी है, लेकिन हमें नफरत की भावना को न्यूनतम स्तर से भी नीचे फैलने से रोकना होगा, और इसके लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस नफरत की भावना को वैसे रोका नहीं जा सकता। सी राजगोपालाचारी, बंगाल के गवर्नर, 4 सितंबर 1947। गांधी जी के घावों से बहने वाला खून और उनकी हत्या के बाद देश की महिलाओं की आंखों से बहने वाले आंसू 1947 के घाव पर मरहम लगाने का काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उस साल की भयावह त्रासदी सदा के लिए इतिहास के बियावान में खो जाएगी और वर्तमान में भावनाओं को भड़काने का काम नहीं करेगी। सी राजगोपालाचारी, 20 मार्च 1948। भारतीय जनमानस की चेतना में कुरुक्षेत्र का एक विशेष महत्व है। यही वह जगह है जहां महाभारत की रक्त रंजित लड़ाई हुई थी। उस महाकाव्य के अनुसार यह लड़ाई प्राचीन इंद्रप्रस्थ अर्थात आज की दिल्ली नगर से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर एक खुले मैदान में हुई थी। उस मैदान को कुरुक्षेत्र कहा गया, जिस नाम से यह आज भी जाना जाता है। महाभारत लिखे जाने के कई हजार साल बाद कुरुक्षेत्र फिर से एक बार एक दूसरी लड़ाई के पीड़ितों का अस्थायी केंद्र बन गया। यह लड़ाई पांडवों और कौरवों जैसे दो संबंधियों के बजाय अन्य दो संबंधियों भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई। पश्चिमी पंजाब को छोड़कर भाग रहे बहुत सारे हिंदुओं और सिखों को भारत सरकार ने कुरुक्षेत्र में के एक अस्थायी शरणार्थी शिविर में रखा था। विस्थापितों के इंतजाम के लिए मैदान में तंबुओं का एक विशाल शहर खड़ा हो गया। ऐसे शरणार्थियों की संख्या कई बार प्रतिदिन 20,000 तक हो जाती थी। यह शिविर शुरू में महज 1,00,000 शरणार्थियों के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसमें उससे 3 गुना ज़्यादा लोगों को रखा गया था। एक अमेरिकन पर्यवेक्षक ने लिखा कि सेना नए शरणार्थियों के आने से पहले ही चमत्कारिक रूप से तंबू खड़े करती रही। कुरुक्षेत्र के नए बासिंदों को खिलाने के लिए प्रतिदिन 100 टन आटे और बड़ी मात्रा में नमक, चावल, दाल, चीनी और केरोसिन की ज़रूरत पड़ती। सरकार की तरफ से मुफ्त में इन चीज़ों की व्यवस्था की गई। इन सब कामों में देशी और विदेशी समाज सेवियों का एक समूह यूनाइटेड काउंसिल फॉर रिलीफ एंड वेलफेयर अर्थात UCRW सरकार की मदद कर रहा था। इन शरणार्थियों के भोजन और आवास की व्यवस्था तो सरकार को करनी ही थी, साथ ही उनके कपड़े और मनोरंजन का ख्याल भी रखना था। जाड़े का मौसम नज़दीक आता जा रहा था। सरकार को एहसास हो गया कि शाम और रात का समय इन शरणार्थियों के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा, इसलिए UCRW ने दिल्ली से कई फिल्म प्रोजेक्टरों को मंगवाने का इंतज़ाम किया और उसे कुरुक्षेत्र में जगह जगह लगा दिया गया। वहाँ जिन फिल्मों को प्रदर्शित किया गया उनमें मिकी माउस और डोनाल्ड डक के चरित्र वाली डिज्नी श्रृंखला की कई फिल्में दिखाई गईं। कपड़े के बड़े बड़े पर्दों पर फिल्म दिखाने का इंतज़ाम किया गया, जिससे एक ही साथ कई फिल्मों का प्रदर्शन संभव हो पाया और 15,000 तक की भीड़ एक ही साथ फिल्म देख पाई। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने टिप्पणी की कि उस वक्त की कठोर वास्तविकता से दूर लोग 2 घंटों की फिल्म के लिए खो जाते थे, जो उनके लिए जान बचाने वाला साबित हुआ। वे शरणार्थी हास्य व्यंग से भरी फिल्मों को देखते वक्त 2 घंटों तक अपनी तमाम तकलीफें और दर्द भूल जाते थे। हाँ, उन पर जुल्म हुआ था, उन्हें यातनाएं दी गई थीं, वे घरबार बेघर थे, हो गए थे और घायल थे, लेकिन फिर भी हंस सकते थे। यही एकमात्र उम्मीद की किरण थी। पश्चिमी पंजाब से आने वाले शरणार्थियों को ठहराने के लिए जिन शरणार्थी शिविरों का निर्माण
किया गया था कुरुक्षेत्र का शिविर उनमें सबसे बड़ा था। कुछ शरणार्थी सत्ता हस्तांतरण के दिन से पहले ही आ गए थे। इनमें से कुछ दूरदर्शी कारोबारी भी थे जिन्होंने अपनी संपत्ति पहले ही बेच दी थी और वहां से पलायन कर गए थे। हालांकि शरणार्थियों की विशाल बहुसंख्या 15 अगस्त के बाद ही आ पाई और उनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय उनके तन के कपड़े के कुछ भी नहीं था। ये वे किसान थे जो अंतिम घड़ी तक वहाँ इस उम्मीद में रुके थे कि शायद मुल्क न बटे और उन्हें वहाँ एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का भरोसा मिल जाए। लेकिन सितंबर और अक्टूबर में जब हिंसा की विकराल आग ने पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया तो उन लोगों को यह विचार त्यागना पड़ा। हिंदू और सिख जो खुश नसीब थे वे उस सांप्रदायिक हिंसा से बचने के लिए अपना घर बार छोड़ हिंदुस्तान की तरफ भाग चले। वे सड़क, रेल, समुद्र और पैदल हर मुमकिन तरीके से पलायन कर गए। कुरुक्षेत्र जैसे शरणार्थी शिविर तो महज तात्कालिक व्यवस्था थी। शरणार्थियों के लिए स्थायी आवास और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द था। दिसंबर 1947 में शहर का दौरा करने वाले एक पत्रकार ने इस भीड़ को अपने आप में एक शहर की संज्ञा दी और लिखा कि वहाँ करीब 3 लाख लोग तंबुओं और विशाल मैदान में पागलों की तरह बिना हिले डुले और बिना किसी काम के बैठे हुए हैं। उसने लिखा कि उन खेतिहर शरणार्थियों के मन में एक ही विचार आ रहा है कि हमें कुछ ज़मीन दे दो, हम उस पर अन्न उपजा लेंगे। इसकी उन्होंने मांग भी की। जमीन के भूखे इन किसानों ने हमें बताया कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि ज़मीन कहाँ दी जा रही है, बस वो ज़मीन खेती के लायक होनी चाहिए। ज़मीन के लिए उनकी भूख बड़ी स्वाभाविक लग रही थी। दूसरी तरफ भारत से भी बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन पाकिस्तान की तरफ हुआ। इस तरह पूर्वी पंजाब में मुसलमानों द्वारा खाली की गई ज़मीन पर हिंदू और सिख शरणार्थियों को पहले पहल बसाया जाना था। अगर बंटवारे के वक्त हुआ आबादी का स्थानांतरण दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा मानवीय पलायन था, तो अब उन शरणार्थियों को ज़मीन का वितरण दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीन वितरण का काम था। हिंदू और सिख शरणार्थी पश्चिमी पंजाब में 27 लाख हेक्टेयर ज़मीन छोड़कर आए थे, लेकिन पूर्वी पंजाब में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई ज़मीन महज 19 लाख हेक्टेयर थी। ज़मीन की इस कमी में एक और समस्या जुड़ गई। पश्चिमी पंजाब की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ और ज़्यादा सिंचित थी, जबकि पूर्वी पंजाब में ऐसा नहीं था। 19वीं शताब्दी के अंत में पूर्वी पंजाब से सैकड़ों सिख गांव थोक के भाव पश्चिम में बनी नई नहर कॉलोनियों की तरफ पलायन कर गए थे, जहाँ सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो गई थी। यहाँ उन्होंने अपने खून और पसीने की मेहनत से उस रेतीली ज़मीन को गुलजार कर दिया था और वो ज़मीन सोना उगलने लगी थी। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि मुल्क का बंटवारा हो गया। सन 1947 में उन्हें कहा गया कि उनकी ज़मीन पाकिस्तान में पड़ती है। इस तरह महज 2 पीढ़ियों में इन निर्वासित सिखों को फिर से अपनी मूल ज़मीन की तरफ वापस आना पड़ा। शुरू में हर एक शरणार्थी परिवार को 4-4 हेक्टेयर ज़मीन दी गई, भले ही पाकिस्तान में उनके पास कितनी ही ज़मीन क्यों न रही हो। खेती के लिए बीज और उपकरण खरीदने के लिए सरकार ने उन शरणार्थियों को कर्ज देने का इंतजाम किया। इधर ज़मीन के इन अस्थाई टुकड़ों पर खेती का काम शुरू हुआ, उधर सरकार ने स्थाई ज़मीन के लिए आवेदन मंगाने का काम शुरू किया। हर एक परिवार को ये सबूत देने को कहा गया कि उनके पास पाकिस्तान में कितनी ज़मीन थी। 10 मार्च 1948 से आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू की गई और 1 महीने के अंदर 5 लाख से भी ज़्यादा आवेदन जमा हो गए। उसके बाद इन दावों को खुली जनसभा में सत्यापित किया गया, जहां उसी गांव के दूसरे शरणार्थी भी मौजूद होते थे। ऐसे दावों को सरकारी अधिकारी द्वारा पढ़ा जाता था और लोगों की सभा उसे मंजूर, संशोधित या खारिज कर देती थी। उम्मीद के मुताबिक ही बहुत सारे शरणार्थियों ने शुरू में बढ़ा चढ़ा कर दावा किया। हालांकि हर एक गलत दावा करने वाले को दंडित भी किया गया। कभी उनको आवंटित ज़मीन में कटौती कर दी जाती तो कई मामलों में कुछ लोगों को कुछ समय के लिए जेल भी भेज दिया गया। इसने लोगों के मन में थोड़ा डर पैदा किया, लेकिन इस प्रक्रिया से नज़दीकी से जुड़े हुए एक अधिकारी ने आकलन किया कि कुल मिलाकर
फिर भी 50% मामलों में लोगों ने अपना दावा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इन दावों के आवेदनों को जमा करने, व्यवस्थित करने, सत्यापित करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए जालंधर में एक पुनर्वास सचिवालय बनाया गया। एक समय इसमें 7,000 कर्मचारी तक काम करते थे, जो अपने आप में एक शरणार्थी शहर जैसा था। इनमें से ज़्यादातर अधिकारियों और कर्मचारियों को तंबुओं में ठहराया गया, जहाँ प्रकाश और शौचालय की अस्थायी व्यवस्था की गई। उन कर्मचारियों के लिए वहाँ अस्थायी पूजा स्थल भी बनाए गए, हिंदुओं के लिए मंदिर और सिखों के लिए गुरुद्वारों की व्यवस्था की गई। उस अभियान का नेतृत्व इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अफसर सरदार तरलोक सिंह के हाथों में था, जो उस पुनर्वास कार्यक्रम के महानिदेशक थे। तरलोक सिंह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्नातक थे और उन्होंने शरणार्थी समस्या को सुलझाने में अपना अकेडमिक अध्ययन का बेहतरीन उपयोग किया। उन्होंने इसको लेकर 2 प्रयोग किए। ये प्रयोग स्टैंडर्ड एकड़ अर्थात जमीन का एक विशिष्ट टुकड़ा और ग्रेडेड कट जमीन की वर्गीकृत कटौती के थे। स्टैंडर्ड एकड़ जमीन का वो टुकड़ा था जिस पर 10 या 11 माउंड अर्थात लगभग 40 किलोग्राम चावल उपज सकता था। पूर्वी पंजाब के असिंचित और सूखे इलाकों में 3 या 4 एकड़ जमीन एक स्टैंडर्ड एकड़ के बराबर होती थी, जबकि हरी भरी कनेल कॉलोनियाँ अर्थात पश्चिमी पंजाब की नहर कॉलोनियों में 1 एकड़ सामान्य जमीन कमोवेश एक स्टैंडर्ड एकड़ के बराबर होती थी। स्टैंडर्ड एकड़ के विचार को लेकर बड़ी प्रयोगधर्मिता भी दिखाई गई। इसमें पूरे सूबे की मिट्टी और मौसम की विविधता का ख्याल रखा गया। दूसरी तरफ ग्रेडेड कट अर्थात वर्गीकृत कटौती के विचार से शरणार्थियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई जमीन और पूर्वी पंजाब में उपलब्ध जमीन को उन लोगों के बीच बांटने में बड़ी मदद मिली। शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई और उनके लिए उपलब्ध जमीन के बीच का अंतर करीब 10 लाख हेक्टेयर था। इस नियम के मुताबिक 10 एकड़ तक के शुरुआती दावे के लिए 25% कम जमीन दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस तरह ऐसे लोगों को 10 एकड़ के बदले 7 एकड़ जमीन ही दी गई। इससे ऊंचे के दावों के लिए कुछ ज़्यादा कटौती की गई। 10 से 30 एकड़ तक के दावों के लिए 30% की कटौती की गई। इससे ऊपर के दावों के लिए भी इसी तरह कटौती बढ़ती रही। 500 एकड़ के दावों के लिए 95% की कटौती की गई। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी क्षति उठाने वाली एक महिला विद्यावती थी, जो अपने पति की 11,500 एकड़ जमीन की वारिस थी। ये जमीन गुंजरावाला और सियालकोट जिले के 35 गांवों में फैली हुई थी। मुआवजे के तौर पर उसे करनाल के एक गांव में महज 835 एकड़ जमीन से संतोष करना पड़ा। नवंबर 1949 तक तरलोक सिंह और उनके कर्मचारियों ने मिलकर 2.5 लाख लोगों को जमीन आवंटित कर दी थी। फिर भी ये शरणार्थी पूर्वी पंजाब के जिलों में बसाए गए। पड़ोसियों और परिवार वालों को एक साथ बसाया गया। हालांकि फिर से पूरे ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करना असंभव साबित हुआ। जिन शरणार्थियों को जमीन के आवंटन से आपत्ति थी, उन्हें फिर से आवेदन करने को कहा गया। करीब 1 लाख परिवारों ने फिर से अर्जी दी कि उनको हुए आवंटन की समीक्षा की जाए। इनमें से 1/3 आपत्तियों पर फिर से कार्रवाई की गई और इस तरह फिर से 80,000 हेक्टेयर जमीनों की अदला बदली हुई। अपनी उपजाऊ और अच्छी तरह से सिंचित जमीनों के बदले इन शरणार्थियों को पूर्वी पंजाब में बंजर जमीन मिली। इसके अलावा ग्रेडेड कट नियम के हिसाब से उन्हें जमीन भी कम मिली। लेकिन उन शरणार्थियों में कुछ कर गुजरने का मादा और अपनी उजड़ी हुई ज़िंदगी को खुद फिर से खुशहाल करने की लगन थी। वे दिन रात अपने काम में जुट गए। उन्होंने नए कुएं खोदे, नए मकान बनाए और नई फसलें बोई। सन 1950 तक आते आते एक निर्जन इलाके में फिर से ज़िंदगी की मुस्कराहट लौट आई। लेकिन फिर भी लोगों में कुछ खोने का एहसास बना रहा। अर्थव्यवस्था तो फिर से कायम की जा सकती थी, लेकिन बंटवारे के सांस्कृतिक दुष्प्रभाव की भरपाई नहीं हो सकी। देखा जाए तो किसी भी पक्ष के द्वारा इसकी भरपाई की भी नहीं की जा सकती थी। सिखों के पास खेती के लिए जमीन तो फिर से मुहैया हो गई, लेकिन अब वे अपनी आस्था के सबसे पूजनीय केंद्रों को पाने की सोच भी नहीं सकते थे। इन धार्मिक स्थानों में लाहौर का गुरुद्वारा और ननकाना साहिब प्रमुख था। लाहौर के गुरुद्वारे में सिखों के महान योद्धा और सरदार महाराजा रणजीत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था।
जबकि ननकाना साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म स्थान था। अप्रैल 1948 में कलकत्ता स्टेटमैन के संपादक ने ननकाना साहिब का दौरा किया और कुछ सिखों से मिले, जिन्हें बतौर उस धार्मिक स्थान के अभिभावक पाकिस्तान सरकार ने रहने की इजाज़त दे दी थी। कुछ महीनों के बाद उस पत्रकार ने इस्लाम के अहमदिया पंथ के मुख्यालय का कादियान का दौरा किया, जो भारतीय पंजाब में स्थित था। मीलों पहले ही अहमदिया मस्जिद के परकोटे दिखाई देते थे, लेकिन वहां अब महज 300 अहमदिया श्रद्धालु ही रहते थे। उस शहर में 12,000 सिख और हिंदू शरणार्थियों ने अपना ठिकाना बना लिया था। कादियान और ननकाना साहिब दोनों ही जगहों में दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या में साफ तौर पर भारी कमी दिख रही थी। सब कुछ सूना सूना सा था, बस एक इंतज़ार बाकी था, उम्मीद की एक पतली सी किरण, एक आस्था बची थी जिसमें आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। पश्चिम पंजाब से आने वाले ज़्यादातर शरणार्थी किसान थे, लेकिन उनमें से कई शिल्पी, कारोबारी और मजदूर भी थे। उन सबको उचित ढंग से बसाने के लिए सरकार ने नए शहरों को बसाया। इसमें से पहला शहर फरीदाबाद था, जो देश की राजधानी दिल्ली से 30 मील दक्षिण में बसाया गया। इस काम में जो समूह सक्रिय था, उनमें इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन अर्थात ICU नाम का संगठन प्रमुख था, जिसका नेतृत्व कमला देवी चट्टोपाध्याय कर रही थीं। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक समाजसेवी और नारीवादी आंदोलनकारी थीं, जो महात्मा गांधी की नज़दीकी थीं। फरीदाबाद के निवासी ज़्यादातर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के हिंदू शरणार्थी थे। सुधीर घोष नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उन शरणार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपना घर खुद ही बनाएं। हालांकि सरकार अपने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से उनके लिए घर बनाना चाहती थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग अपने भ्रष्टाचार और धीमे कार्य करने की वजह से बदनाम था। इसे आम लोगों में लोक लूट विभाग या बिना किसी खतरे के लूट का विभाग माना जाता था। इसके विरोध स्वरूप शरणार्थियों के एक समूह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया। नेहरू जब सुबह सुबह अपने काम पर जा रहे थे, तभी वे लोग उनके सामने आ गए। उन लोगों ने नेहरू के सामने काफ़ी शोर शराबा किया और आखिरकार नेहरू ने गुस्से में आकर उनकी बात पर विचार करने का आश्वासन दिया। एक खास हिंदुस्तानी समझौते की तरह शरणार्थियों को 40% मकान बनाने की इजाज़त दी गई, जबकि शेष मकान PWD अर्थात लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जाने थे। फरीदाबाद में ICU ने सहकारी समितियों और स्वयं सेवा समूहों का गठन किया। इन संस्थाओं ने दुकानें और छोटे छोटे कारखाने लगाए। इन कारखानों को और लोगों के घरों में बिजली मुहैया कराने के लिए बहुत कम समय में एक डीजल चालित बिजली घर खड़ा कर लिया गया। इस बिजली घर की मशीन कलकत्ता में पड़ी हुई थी, जहां यह युद्ध हर्जाने के रूप में जर्मनी से आई थी। कलकत्ता में इसे कोई इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था, इसलिए इसे फरीदाबाद भेज दिया गया। सुधीर घोष ने उस जर्मन इंजीनियर का पता लगाया जिसने इस प्लांट को हैम्बर्ग में बनाया था और उसे भारत आने पर राजी कर लिया। वह इंजीनियर भारत तो आया, लेकिन उसे तब निराशा हुई जब यहाँ उस प्लांट को उठाने के लिए कोई क्रेन उपलब्ध नहीं थी। फिर उसने फरीदाबाद के लोगों को 15 टन के जैक स्क्रू को चलाने का प्रशिक्षण दिया, जिससे वह उपकरण इंच दर इंच ऊपर उठ सका। 10 महीनों के भीतर बिजली घर तैयार हो गया। अप्रैल 1991 में खुद नेहरू इसके लोकार्पण में आए और जैसे ही उन्होंने इसका बटन दबाया, चारों तरफ प्रकाश फैल गया और इसने फरीदाबाद में सबके मनोबल को ऊंचा उठा दिया। अब इस शहर के पास अपनी बिजली थी, जिससे यह अपने औद्योगिकरण की महत्वाकांक्षाओं को परवाज दे सकता था। इसी बीच दिल्ली में हजारों शरणार्थियों ने अपना डेरा डाल लिया था। सन 1911 तक दिल्ली के चरित्र और इसकी संस्कृति पर इस्लामी छाप थी। उसी साल अंग्रेज कलकत्ता से अपनी राजधानी दिल्ली लाए थे। सन 1947 के बाद दिल्ली आज़ाद भारत सरकार का
मुख्यालय बन गई। शहर के उर्दू भाषी मुसलमानों को बेमन से पाकिस्तान जाना पड़ा और उनकी जगह पंजाबी भाषी हिंदुओं और सिखों ने ले ली। उन्हें जहाँ भी जगह मिली उन्होंने अपने घर और दुकान बना लिए। शहर के बीचों बीच कनाट सर्कस नाम का एक भव्य बाजार था जिसे रसल ने बनाया था। रसल ने अगर देखा होता कि उसके निर्माण का क्या हश्र हो रहा है तो शायद वह अपनी कब्र में किसी दरवेश की तरह बेचैन हो रहा होता। सन 1948 और 49 में कनाट सर्कस के चारों तरफ फुटपाथों पर हर एक जगह हर एक आकार की दुकानें और ठेले नज़र आने लगे। इस तरह जो जगह कभी लोगों के लिए खूबसूरत और छायादार तफरी करने की जगह थी, जहां लोग पहले आराम से बेरोक टोक बिना दुकान गए ही चीज़ों को देखते और फिर खरीदने का मन बनाते, वो जगह अब शोर शराबे और अव्यवस्था में तब्दील हो चुकी थी। कुल मिलाकर आज़ादी से पहले जो जगह नई दिल्ली के संभ्रांत और अमीर लोगों के लिए खरीदारी की खास जगह हुआ करती थी, वो अब महज एक गौरवशाली भीड़ भाड़ वाला बाजार बनकर रह गई। मुल्क के बंटवारे के बाद दिल्ली में करीब 5 लाख शरणार्थी बसने आ गए। वे बाढ़ की तरह दिल्ली में घुसे। उन्हें जहाँ कहीं भी जगह मिली वे वहीं बस गए। वे हर जगह फैल गए। वे शिविरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, गुरुद्वारों, मंदिरों और धर्मशालाओं में, बगीचों में, यहाँ तक कि मिलिट्री बैरक तक में घुस गए। उन्होंने रेलवे प्लेटफार्म, शहर की गलियों, फुटपाथों और हर एक रह सकने लायक जगहों पर कब्जा जमा लिया। कुछ समय के बाद इन जबरन कब्जा जमाए लोगों को लुटियंस की बनाई गई नई दिल्ली के पश्चिमी और दक्षिणी दिशा में ज़मीनें आवंटित कर दी गईं, जहाँ उन्होंने अपना मकान बनाया। यहीं ऐसी कॉलोनियां बसी जहां अभी भी पंजाबियों की बहुसंख्या है। उन कॉलोनियों के नाम के आखिर में नगर लगे हुए हैं, जो खासकर पटेल नगर, राजेंद्र नगर और लाल लाजपत राय जैसे हिंदू कांग्रेसी नेताओं के नाम पर हैं, जिन्हें ये शरणार्थी खास तौर पर पसंद करते थे। पूर्वी पंजाब के मैदानी इलाकों में बसाए गए अपने भाइयों की तुलना में दिल्ली के इन शरणार्थियों ने पैसे का बहुत सदुपयोग किया। एक ज़माने में हासिल अपनी खोई हुई हैसियत को हासिल करने के लिए वे काफ़ी तेज़ी से तरक्की की राह पर बढ़े। एक वक्त ऐसा आया जब वे अपनी मर्जी से दिल्ली को प्रभावित करने की हैसियत में आ गए। दिल्ली के कारोबार पर पंजाबियों का कब्जा हो गया। वास्तव में दिल्ली, जो कभी मुग़लों का शहर था, बाद में अंग्रेज़ों का शहर बना, अब पंजाबियों का शहर बन चुका था। दिल्ली की तरह ही बम्बई का सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल बंटवारे की वजह से बदल गया। जुलाई 1948 तक शहर में 5 लाख के करीब शरणार्थी आ चुके थे। ये शरणार्थी सिंध, पंजाब और सीमा प्रांत से आए हुए थे। इन शरणार्थियों ने बम्बई की आवास की विकट समस्या को और भी गंभीर बना दिया। अब लगभग 10 लाख लोग फुटपाथों पर सो रहे थे। झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। खचाखच भरे कमरों में 15 से 20 लोग तक रहते थे। एक पत्रकार ने दावा किया कि सिंधी शरणार्थियों को हुई कुल क्षति करीब 400-500 करोड़ रुपए के बराबर थी। उनके पास पाकिस्तान में काफ़ी ज़मीनें थीं। वे लोग यहाँ की सरकारी सेवा में दबदबा रखते थे और वहाँ के कारोबार में उनका एक छत्र वर्चस्व था। जहाँ पंजाबी शरणार्थियों के पास अब अपना कहने लायक सूबे के रूप में पूर्वी पंजाब था, जहाँ वे अपनी स्वतंत्र व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम दे सकते थे और अपनी एक स्वायत्त सरकार होने का दावा कर सकते थे, सिंधियों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके आधार पर वे अपने आप को फिर से खड़ा कर सकें। कुछ लोगों ने व्यग्रता से और गुस्से से संकट की इस घड़ी में सरकार की तरफ उम्मीदें लगाईं, तो कुछ ने हालात से निपटने का खुद ही फैसला किया। इस तरह बम्बई में छोटे छोटे सिंधी बच्चों का बाजार में घूम घूम कर कपड़े बेचने का दृश्य आम बन गया। कारोबार उनके खून में ही था, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों ने इन सिंधी शरणार्थियों का बहुत स्वागत नहीं किया। सिंध का पानी ही ऐसा था कि वहाँ के जंगलों का एक छोटा सा फूल भी बम्बई की उपनगरीय रेल सेवा में कुछ सामान बेचकर अपनी ज़िंदगी चला लेता है। बम्बई में 5 शरणार्थी शिविर थे। उनमें रहने वालों की हालात बहुत ख़राब थी। कोलवाड़ा शिविर में 10,400 शरणार्थी बैरकों में रह रहे थे। प्रत्येक परिवार को 36 वर्ग फीट जगह
मुहैया कराई गई थी। पूरे शिविर में महज 12 पानी के नल थे। वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं था, वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ महज एक स्कूल था। उस स्कूल का इंतज़ाम तानाशाही भरे अंदाज में एक व्यक्ति कर रहा था जिसका नाम प्रताप सिंह था। अप्रैल 1950 में वहाँ पर दी जाने वाली खराब सुविधाओं के विरोध में एक छोटा सा दंगा भी हो गया जब वहाँ रहने वालों ने किराया देने से इनकार कर दिया। प्रताप सिंह ने उन लोगों को जगह खाली करने का आदेश दिया और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस बुला ली गई। इस घटना में एक नौजवान मारा गया। इस घटना की रिपोर्टिंग करते हुए एक पत्रकार ने यहाँ रहने वालों वाले लोगों को सही में कैदी करार दिया और वहाँ रहने वाले दूसरे कैदी बड़े बड़े बिल्ली के आकार के चूहे, मच्छर, सांप और अन्य कीड़े मकोड़े थे। सिंध से आए हुए शरणार्थी पूरे बम्बई शहर और पश्चिम भारत के अन्य शहरों में फैल गए। बम्बई के अलावा इन शरणार्थियों की खासी आबादी पुणे और अहमदाबाद में बस गई। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक जिसने 1950 के पतझड़ में इन शरणार्थियों से मुलाकात की, उन्होंने पाया कि सिंधी लोग सरकार के रवैये से बहुत असंतुष्ट थे। उसने पाया कि लोगों को रहने के लिए बहुत ही कम जगह उपलब्ध थी। छोटे छोटे मकानों में लोग ठुसे हुए रह रहे थे। वहाँ पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था। और अहमदाबाद में एक शरणार्थी ने कहा कि हम लोग ऐसा खाना खाने पर मजबूर हैं जो हम पाकिस्तान में जानवरों और चिड़ियों को खिलाते थे। कई शरणार्थियों ने शिकायत की कि स्थानीय गुजराती उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते और वे खास तौर पर मुसलमानों के प्रति संदेह की भावना लिए रहते हैं। वे शरणार्थी भारत सरकार की कटु आलोचना कर रहे थे। हालांकि नेहरू की आलोचना से वे बच रहे थे। वे कह रहे थे कि हमारी सरकार बेकार है, सारे चोर एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, सिर्फ पंडित नेहरू ही सही हैं, बाकी बेकार हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। पंडित जी खुद जो कहते हैं वे करते हैं, लेकिन बाकी सरकारी तंत्र कुछ काम नहीं करता। तो यह था भाग 11। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।